माय यूट्यूब चैनल शोभा पाड़ी ब्लॉगर। आई होप आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आप लोगों को आज अनदर ब्लॉग का कुछ स्पेशल बताती हूँ। यहाँ पे मंदिर पे जो है मतलब घूमने के लिए आए हैं लोग, या फिर पता नहीं जात्रा वगैरह होती है तो वो होगी शायद। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और लोग भी आए हैं, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। ये देखिए मैं आई हूँ गाय चराने के लिए, और यहाँ पे जो है इनके बच्चे नहा रहे हैं। एक तो मौसम ख़राब है भाई, बच्चे मानते नहीं हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बताती हूँ। है पता नहीं कहाँ से ये, बट मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया इनका। मज़े लगे हैं इनके नहाने में। दीबू भी आया है, दीबू का मन भी हो रहा है नहाने का। इधर बोलता है मम्मी ये तो डर रहे हैं भाई। मैं गाय में आई हूँ तो इनको ले जाने का टाइम भी हो ही गया है आज अभी घर। ये देखिए कैसे नहा रहे हैं। एक गंदा पानी की करता था। तो ये देखिए आधे इधर मंदिर में और आधे इधर नीचे। चलो चलो मंदिर मंदिर है जो आयरे जी। अच्छा अच्छा ऊपर बैठे थे जोक का उनी। हाँ जोक का उनी अच्छी था नीचे। हाँ जोक का फंस जान दिया था आजकल कुछ भी। आयरे जी बालक रूपी अच्छे से नीचे। हाँ जी दसो बाबा जी मुख केड़ी गल्ला मोड़िया, केड़िया गल्ला मोड़िया भगतां दा दिल तोड़िया। दसो बाबा जी मुख केड़ी गल्ला मोड़िया। तो ये चले रोटी खाने, ये गए थे बाबा बालकनाथ के मंदिर। तो ये देखिए यहाँ पे जो है फ्रेंड देखो ठंडा पानी अपने आप ही ये बरसात के टाइम जो है निकल जाता है, इधर निकल जाता है ये पानी, और फ्रिज से भी बेटर है ये पानी। फ्रिज वाला पानी तो हानिकारक होता है, बट ये बहुत ही लाभदायक ठंडा ठंडा एकदम। अब ये टेढ़ा हो गया था ना इस साइड, मैंने इस साइड किया तो अभी इसमें मिट्टी आ रही है। तो फ्रेंड फिर मैं घर की ओर जा रही थी तो यहाँ पे एक सांप दिख गया था मुझे, तो मैंने सोचा मैं इसको भी इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। तो बहुत बड़ा था और ये देखिए ब्राउन कलर का।
और यहाँ पे भी था एक जहाँ से पानी निकल रहा था पत्थरों के बीच से, और ये भी बहुत ही शीतल पानी था, मतलब बहुत ही स्वच्छ भी। और ये पानी जो है बहुत ही ठंडा होता है आजकल के टाइम में, और सर्दियों के टाइम में ये गर्म होता है, जैसे बॉडी का पानी होता है उस तरह से, और पीने में भी बहुत टेस्टी था। तो चलिए पीते हैं इस तरीके से, इस स्टाइल से बड़ा मज़ा आता है। और ये हमारे घर के पास, तो फ्रेंड ये देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हिमाचल में, इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। ये देखिए ये यहाँ से ये पूरे ऊपर से बह रहा है पानी, और सारा पानी इकट्ठा होके ये खड्ड में बह रहा है, और उसकी वजह से जो है पानी बहुत ज़्यादा हो गया है इस वाली खड्ड में। तो हमारे तो घर बीचों बीच में है, और दोनों साइड में जो है खाट चलती है, और मेरा बेटा तो बोलता है कि मम्मा डर लग रहा है मेरे को। तो सच्ची में फ्रेंड बहुत ज़्यादा पानी जो है खाट में हो गया है। ये देखिए अभी जो है शाम के 7:30 बजे के करीब का टाइम हो गया है, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थोड़ी देर पहले, हम गौशाला गए थे तो हमें वहाँ पर ही रुकना पड़ा। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, बहाव बहुत ज़्यादा हो गया है। और फ्रेंड सच्ची में मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, कभी भी मैं पानी को क्रॉस नहीं करती हूँ, और नहीं करना चाहिए हमें जो है कुदरत की चीज़ों से जो है रिस्क कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता है कब जैसे क्या हो जाए। तो उस वजह से हमें जो है उसी रास्ते से जाना चाहिए, चाहे वो दूर से हो। अभी भी एक दीदी जो है इधर से जा रही थी रक्कड़ से, तो मैंने उनको बोला दीदी बहुत ज़्यादा खड्ड आ गई है आगे से, तो आगे रास्ता बंद हो गया, आप ऊपर से जाइए। ऊपर हमारे पुराने घर के साइड से वहाँ पे पुल डाला गया है रक्कड़ वालों के लिए, तो वो वहाँ से मैंने उनको भेज दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है तो रिस्क क्यों लेना फ्रेंड। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी हो गया, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा जो है इस बार, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने देखा बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, होती नहीं है, होती नहीं है, होती तो फिर बहुत ज़ोर की होती है, मतलब ये देखिए बहुत ज़्यादा।